देश की रक्षा करते हुए बस्ती के कुसुमही गांव के एक लाल ने अपने जान न्योछावर कर दी थी, लेकिन 40 साल हो गए आज। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953889367 पर। उनका जो परिवार है, उनकी माता जी और उनके उनकी बेटी हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोगों का कहना है कि उनके स्मृति में गांव में एक द्वार तक नहीं बनाया गया, कोई नहीं जानता उनके गाँव में कि जो रघुनाथ सिंह है, जो आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे, वो कौन थे और उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दी थी। हम बात कर लेते हैं, आज बस्ती पहुंची हैं, हमारे ऑफिस पे भी पहुंची थी, इन्होंने यहाँ पर झंडारोहण भी किया है, क्योंकि इनको कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों शहीद की परिवार है, इनके घर के लाल ने अपनी जान न्यौछावर की, लेकिन अब इनको कोई नहीं पूछने वाला है, ना जनप्रतिनिधि पूछने वाले हैं, ना जिला प्रशासन पूछने वाला है। आज हम इनको बुलाए थे और इनसे बात कर लेते हैं कि आखिर क्या हुआ था 40 साल पहले, कैसे शहीद हुए थे आपके पिता। जी सर, 40 साल पहले वो कुमाऊं रेजिमेंट में थे, वहाँ पे ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था अमृतसर से। उसमें भूकांत मिश्रा के रेडियो ऑपरेटर थे, वहाँ पे लड़ाई के टाइम पे इनको गोली लगी थी, आतंकवादी ने मारी थी भूकांत मिश्रा जी को, जिसको बचाने के लिए ये आगे दौड़े, लेकिन वहाँ पे वो कामयाब नहीं हो पाए और आतंकवादियों ने इन पे गोलीबारी स्टार्ट कर दी, जिससे वो मौके पर ही शहीद हो गए थे। उसके बाद सरकार की तरफ से क्या कोई सम्मान भी मिला था? जी हाँ, सरकार के मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। फिर जब यहाँ पर जब बारी आई जिला प्रशासन की, स्थानीय नेताओं की, यूपी सरकार की, तो क्या कुछ उनकी तरफ से मदद या उनकी याद में कोई स्मृति द्वार या कुछ किया गया था? नहीं सर, यहाँ पे जो नेता लोग है वो तो बुलाते हैं अपनी रैलियों में, वादा भी करते हैं कि दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, ये किया जाएगा, लेकिन तो सिर्फ वो वादे और वो बातें वहीं तक ही रहती हैं, वो सक्सेस नहीं होता है वहाँ पे कुछ भी। अभी तक ऐसा नहीं है कि उनके नाम का कोई भी रोड हो, कोई भी स्मृति द्वार हो या फिर कोई भी स्टेडियम हो, कुछ भी निर्माण नहीं किया गया और यहाँ के लोग उनके बारे में कुछ जानते भी नहीं है। आज देश आजादी का जश्न मना रहा है, ऐसे में जिन्होंने अपने जान की निछावर कर दी, अपना जान देश के लिए, उनकी उपेक्षा इस तरीके से की जा रही है, गांव में लोग नहीं जानते हैं, सिर्फ परिवार जानता है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए सरकार को? जी सर, सरकार से तो हम निवेदन ही कर सकते हैं और हमारा यही निवेदन है कि उनके लिए तो किसी ऐसे स्मृति द्वार, रोड और उनकी जो प्रतिमा है बनवाई जाए गांव में, स्टेडियम वगैरह है उसका निर्माण किया जाए, जिसके जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनको याद कर सके और उनको एक पहचान भी मिल सके। जो जज्बा उन्होंने उनके अंदर आया था वो कहाँ से आया था? क्या पिता भी, मैंने सुना कि पिता भी आपके सेना में थे? हमारे बाबा जी जो हैं वो कुमाऊं रेजिमेंट में ही सिपाही थे और उन्होंने ही, वो जज्बा उनके अंदर उन्हीं से आया था। हाँ, उन्होंने उनको वहाँ पे भर्ती भी करवाया था। क्या कुछ प्रॉपर्टी को लेकर भी मैंने सुना कि विवाद है? आप प्रॉपर्टी को लेकर वहाँ पे जैसे उनकी जब वो बलिदान हो गया उनका, उसके बाद में कुछ टाइम तक हम लोग वहाँ पे थे, लेकिन अब टाइम पे हम लोग का वहाँ से कुछ नहीं है, ना ही हम लोग को कोई भी प्रॉपर्टी मिला है, कोई घर के लिए भी जगह नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी वहाँ पे अपना एक घर बनाए, जिससे वहाँ पे जाके कुछ टाइम पे के लिए अगर रहना चाहे, रहते तो हम लोग यहाँ पे, हमारा घर अलग है, लेकिन कुछ टाइम के लिए वहाँ रहना चाहे, उनके यादों के सहारे जीना चाहे, उसके लिए है प्रॉपर्टी वहाँ पे, लेकिन वो लोग दे नहीं रहे हैं ना। कौन लोग हैं वो? उनके भाई लोग जो हैं, इतनी भी दया नहीं कि जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की आहुति दी, और क्या प्रशासन भी मदद नहीं किया? जी नहीं, प्रशासन से कोई मदद नहीं किया। गांव में आप लोग नहीं जा पाते हैं, जहां के रहने वाले थे आपके पिताजी? सही, जाते नहीं है, कभी कभी अगर कोई फंक्शन पड़ता है तो बस 4-5 मिनट के लिए, आधा घंटा बस, इससे ज्यादा रात रुकने की व्यवस्था नहीं। कितना दिन हो गया, कब शहीद हुए थे? 84 की बात है। माता जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो घटना घटी थी उसके बारे में कुछ बताएंगे? माता क्या गांव में कोई जानता है आपके अलावा, आपके तो पति थे, और कोई जानता है? सब जानते हैं। इनकी याद में कुछ बना है गांव में, कोई प्रशासन की तरफ? नहीं बना, हम भी नहीं बनवाए, हमसे झगड़ा चल रहा था एक नाथ सिंह से, हम काली हरो देना।
तो आज तो स्वतंत्रता दिवस है, पूरा देश जश्न मना रहा है, और जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया देखिए हिस्सा हमारे बाप पे का हिस्सा आधा ले लो है बेच लो खेत। तो ऐसे मौकों पे जब 26 जनवरी या 15 अगस्त आता है तो क्या आपको जिला प्रशासन की तरफ से या स्थानीय जो विधायक है नेता है जिले स्तर के क्या पूछते हैं कभी? हाँ पूछते हैं, लेकिन तो वहाँ पे जैसे है कुछ बनाने के लिए पूछने की बात क्या, आपने हमको 10 मिनट के लिए बुलाया, हम गए, हमारी बातचीत हो गई, ठीक है वहीं पे खत्म हो गई है, लेकिन वो कौन जानता, आप जान रहे हम जान रहे हैं, जो वहाँ पे कुछ चीज का निर्माण होगा तो कम से कम आते जाते लोग देखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, सभी लोगों को जागरूकता मिलेगी ना कि हाँ रघुनाथ सिंह कौन थे, इनको सौर चक्र मिला था, जब उनके गांव वाले ही नहीं जान रहे तो और लोगों की बात ही छोड़ दीजिए आप। अब कागज में नाम है, कागज में चल रहा है, जो उसको देख रहा है, जो उस पर विचार कर रहा है, उसको जानने की कोशिश कर रहा है, उसी को पता चल रहा है। ऐसे अगर कोई चीज होगा तो छोटा बच्चा भी जानेगा कि हाँ कौन थे, पूछेगा इनके नाम से ये चीज बना है कौन थे, ये चीज होती है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये शहीद रघुनाथ सिंह का परिवार है जो बता रहा है कि आज उनके पिता ने या उनके माता जी उनके पति ने भले ही इस देश के लिए अपने जान न्यौछावर कर दिया, लेकिन आज भी वो गुमनामी का गुमनाम है, कोई उनको जानता नहीं है, ना गांव में कोई जानता, सिर्फ उनका परिवार ही जानता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।